पड़ेगा 3π बनाने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप एक की भी वैल्यू पाई से कम नहीं कर सकते, तीनों की वैल्यू पाई 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 होगी तभी ये 3π के इक्वल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो cos इनवर्स x पाई हुआ, इसका मतलब x क्या होगा, y और z और माइनस वन की पावर 2012 सीसी कितना हुआ, लाइन ऑफ इक्वेशन क्या मेरी, हाँ सर इक्वेशन लाइन की इक्वेशन होता है ना,
चार लोग यहाँ पे बोल 90 माइनस 45 तो x प्लस वाई कितना हुआ 5x। अब इसकी इमेज के रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इमेज है क्या चेंज होता है ओनली y, क्या बनेगा x माइनस y इक्वल टू 5y। बस की अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लाइन को बनाने जाओगे तो x 0 पे y 5 बाय 4 है, ठीक है, y 0 पे x 5 बाय 4 ऐसी लाइन बनेगी, ऐसी बनेगी। अब इसकी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज, तो इसकी इमेज यहाँ पर और इसकी इमेज यहाँ पर, x एक्सिस की इमेज बन गई। किससे बात करिए 5/4, 0। अब देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पर किससे बात होगी 0, -5/4 तो x-y=5/4 0, -5/4 5/4 ये आपकी लाइन थी। चलिए ये सॉल्व करते हैं, x की मान cos inverse x 1 by 2 है तो x cos 1 by 2
इसको देखिएगा क्या बोल रहा है, कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। करेक्ट कौन सा नहीं, अच्छा ये करेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये तीनों करेक्ट है, ये मतलब हुआ ना। तो ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स सिमेट्रिक फॉर वाई एक्सिस, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बता दीजिए, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा बता दीजिए। फिर अब करो क्या सब, अच्छा सिग्नम ऑफ एक्स का मीनिंग है माइनस वन जीरो और वन, तीन वैल्यू मिलती है। माइनस वन भी अलाउड है और जीरो भी अलाउड है, वन भी, क्लियर। तो एक्स बिलोंग्स टू आर डोमेन, क्लियर। अब जैसे सिग्नम ऑफ एक्स की वैल्यू वन होगी तो कॉस इनवर्स वन कितना, कॉस इनवर्स वन कितना जीरो, और नीचे भी जीरो तो अलाउड नहीं है, ठीक है। cos इनवर्स 1 अलाउड नहीं है, क्या बात समझ आई, जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं बननी चाहिए। जब 1 अलाउड नहीं है तो x बिलोंग्स टू r प्लस b अलाउड नहीं, समझ आई। क्योंकि जैसे जैसे आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करते जाओगे सिग्नम आपको 1 देता जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आपको पुट करनी ही नहीं। तो डोमेन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r माइनस नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू का आपको क्या मिलेगा, cos इनवर्स माइनस वन पाई होता है, और cos इनवर्स माइनस वन पाई होता है, पाई अपन पाई वन, हर नेगेटिव वैल्यू पे आपको मिलेगा वन, क्या बात समझ आई। अगर मैं बोलता हूँ cos इनवर्स जीरो तो क्या मिलेगा, cos इनवर्स जीरो पाई बाय टू होता है, पाई बाय टू वन, पाई बाय टू वन, जीरो पे वन। तो इसका डोमेन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r माइनस और यूनियन जीरो, ये इसका डोमेन। अब मैं बनाता हूँ इसका ग्राफ, डोमेन यहाँ से और यहाँ का पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी नहीं, और इसकी रेंज वन, ये एक लाइन आएगी वन, तो पहला तो क्या बोला था, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटेन नो इंटीजर, क्या वन इंटीजर नहीं है, तो ये कैसा हुआ, करेक्ट हुआ। दूसरा बताइए, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है नहीं। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, टू डिस्टिंक्ट रूट, क्या दो डिस्टिंक्ट रूट है इसके, बहुत सारे कैसे, ये इक्वल टू जीरो कब होगा, जीरो बाय जीरो तो बहुत बार होगा, लेकिन जीरो कब होगा, नहीं होगा, बात समझ में आई। इसकी वैल्यू जीरो कभी हो ही नहीं सकती, एफ ऑफ एक्स की बात करो, कॉस इनवर्स सिग्नम एक्स की नहीं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो सकती है जीरो, तो इसके दो रूट मिलेंगे नहीं। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइन, ऐसा क्यों, क्योंकि मेनी टू वन फंक्शन, समझ में आया। तो इसमें से कौन सा करेक्ट, ये बताओ कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है, नो इंटीजर इनकरेक्ट है, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस वो भी इनकरेक्ट है, डिस्टिंक्ट टू रूट्स वो भी इनकरेक्ट है, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड वो करेक्ट है, वो करेक्ट है, समझ आया। तो नॉट करेक्ट वाले कितने लोग हो गए, तीन लोग, बात समझ आई, डाउट किसी को, चलिए नेक्स्ट है।
किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते है। किसी को डाउट नहीं है ना? साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये होता कैसे वो प्रूफ कर, याद है मैं क्या करता हूं, इसको लेट कर लेता हूं, साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये मैंने लेटा क्लियर, तो माइनस एक्स के साथ साइन वाई हो तो एक्स कितना हो, और साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई होगा, होगा कि नहीं होगा, तो अब साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स एक्स हुआ माइनस वाई, तो वाई इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हुआ, और वाई क्या था तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल, साइन इनवर्स माइनस एक्स, बस बताइए। बिल्कुल इसी तरह का प्रूफ आप कल कर सकते हो tan inverse x के लिए, और cosec inverse ये तीनों का ग्रुप चलेगा, जाना तीनों का प्रूफ एक जैसा है, आप चाहो तो इसका उसका प्रूफ करके देख सकते। cos of inverse minus x होता है pi minus cos of inverse x, pi minus cos inverse x where x belongs to minus 1 to 1, ठीक है, ये भी प्रूव कर। चलिए आपने लेट किया cos of inverse minus x equal to y, आप समझ आ रही है, तो minus x कितना होगा, minus x cos y, cos x equal to minus cos y, अच्छा cos y negative कब होता है, जब second quadrant में हो pi minus, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x equal to cos of pi minus y, ऐसा लिख सकता हूँ ना, cos of minus theta तो आप लिख नहीं सकते, cos minus theta तो cos theta के equal ही होता, तो हम क्या लिख सकते हैं cos pi minus theta, जो कि हो जाएगा minus of cos, clear। अब यहाँ से cos इधर जाएगा तो cos inverse x equal to pi minus y, then y equal to pi minus cos inverse x, और y क्या है cos inverse minus x equal to pi minus cos cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse, देखिए sin cos tan cos x में तो माइनस बाहर आया, ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है जब f of minus x equal to minus f of x हो तो वो फंक्शन कैसा हो, ऑड, ये भी ऑड फंक्शन होते हैं, ऑड फंक्शन, ये ना तो ऑड ना इवन, ठीक है, ऐसा ही आप प्रूव इसके लिए भी कर सकते हो, cot of inverse minus x equal to pi minus cot of inverse x, और sec of inverse minus x equal to pi minus tan inverse x, आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ, किसी को भी डाउट हो तो पूछिए।
इसका डोमेन तो मैंने बता दिया, इसका भी डोमेन कोई बता सकता है इसका डोमेन क्या होगा? माइनस इंफिनिटी टू, इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी। वैसे इसका डोमेन कॉट इनवर्स का बार, और इसका माइनस वन यूनियन वन टू। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ जो फटाफट आंसर दीजिए ताकि नेक्स्ट टॉपिक पर। x plus cos inverse x equal to 5
अब दूसरे जो प्रूफ है वो आपको कर रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x वो भी पाई बाय 2 होता है और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x वो भी पाई बाय 2। क्या आप इसी वे में प्रूव कर सकते हो इनको? बिल्कुल इसी वे में हो जाएंगे। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ
ये sec of sec inverse x का ग्राफ, माइनस वन से वन के बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, और उसके बाद जो आप पुट करोगे वही आपको वैल्यू। ये है sec of sec inverse x, और यही एक ग्राफ होता है cosec of cosec inverse x। ये आप लोगों ने बताइएगा मुझे, बताओ इसकी रेंज क्या? 0 से 4 और कोई है? 0 to 5/2। उन्होंने बताया 0 से 5/2। अच्छा लगा आप लोग सोच रहे हो, कॉल करने की कोशिश कर रहे हो। और 0 से 5 और बताओ 0 से 5/2 और बताओ क्या आपको ये बात पता है? मैं उसका आपको बता चुका था, शायद यह भी पता है। रेंज फाइंड करने से पहले हमें डोमेन फाइंड करना,
ताकि हमें पता है हम क्या प्रूफ करते हैं। चलो बताओ इसकी वैल्यू तो पाई बाय टू आएगी, पाई बाय टू इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, लेकिन डोमेन कितना होगा माइनस वन से बढ़ना, तो पूरे फंक्शन का डोमेन होगा माइनस वन से ज्यादा प्रूफ नहीं कर सकते। टेन इनवर्स एक्स के अंदर आप माइनस वन से वन प्रूफ करोगे तो माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, उसमें प्लस करो पाई बाय टू, माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, उसमें आप प्लस कीजिए पाई बाय टू, पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर कितना हुआ पाई बाय फोर, और पाई बाय फोर प्लस पाई बाय टू कितना हुआ थ्री पाई बाय, तो रेंज मिलेगी पाई बाय फोर टू थ्री पाई बाय। बात सुनाई? रेंज आपको मिलेगी पाई बाय फोर टू थ्री पाई बाय फोर, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसमें x फाइंड करके बताइए और इसमें x फाइंड करके ये तो हो जाएगा, क्या होगा इसमें पाई टेन इनवर्स एक्स, व्हाट इनवर्स एक्स को पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख दो, टी ऑफ पाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टी टाइम्स पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू सेवन पाई बाय फोर, ये हुआ पाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टी पाई बाय टू माइनस टी टेन इनवर्स एक्स
इक्वल टू 7π/4। y tan इनवर्स x माइनस 3 tan इनवर्स x, ये हुआ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 7π/4 माइनस 6π/4। 3π/2 का मतलब 6π/4 हुआ, 7 माइनस 6 ओनली π/4। देन tan इनवर्स x कितना हुआ, 5π/8। तो x कितना हुआ 10π/8, x इक्वल टू 10π/8। 5/8 का मतलब 22.5। कोसेक ऑफ इनवर्स x की वैल्यू होती है साइन इनवर्स 1/x, वेयर मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा है साइन ऑफ इनवर्स x की वैल्यू होती है कोसेक ऑफ इनवर्स 1/x के मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। नंबर 3 sec ऑफ इनवर्स x होता है cos ऑफ इनवर्स 1/x एंड मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फोर्थ है cos ऑफ इनवर्स x होता है sec ऑफ इनवर्स 1/x के एंड मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और cot ऑफ इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x के एंड x इज ग्रेटर देन 2। y plus tan inverse 1/x when x is greater than 2। आपको आइडेंटिकल चलिए प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रूव करता हूँ। देखिएगा आपने इसको लैड किया cos of inverse x equal to y, clear? तो x कितना होगा cos of y होगा, x cos of y होगा, तो 1 upon x कितना होगा 1 upon cos of y, ये होगा। तो 1 upon x किसके equal, 1 upon cos का मतलब sin y, तो y किसके equal sin inverse 1/x, और y किसको लेट किया था इसको, तो sin इनवर्स 1/x हुआ cosec ऑफ इनवर्स x के। ये मैंने फर्स्ट वाला प्रूव कर दिया, बाकी सारे इसी मेथड से प्रूव। बात समझ आई? अच्छा ये मुझे बताना कि ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं, इक्वल फंक्शन है या नहीं, इन दोनों का डोमेन क्या हो, कोसेक ऑफ इनवर्स x का डोमेन माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1 और 1 टू इनफिनिटी, साइन इनवर्स 1 अपॉन x का डोमेन, x क्या पुट कर, x 0 पुट कर सकते हो, माइनस वन और वन के बीच की कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो रेसिप्रोकल होकर पड़ी, तो आप उसमें पुट कर सकते हो माइनस इनफिनिटी से माइनस वन और वन टू इनफिनिटी कर सकते हो ना, रेसिप्रोकल वैल्यू तो छोटी हो जाएगी वन से बड़ी, तो दोनों का डोमेन सेम हुआ। इसमें देखो साइन इनवर्स एक्स, एक्स आप क्या पुट कर सकते हो माइनस वन से वन, और कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स के अंदर, यहाँ तो आप जीरो पुट कर सकते हो, क्या यहाँ जीरो पुट कर सकते हो, ये आइडेंटिकल फंक्शन है। आप समझ आई? ये आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं बट ये नहीं क्योंकि डोमेन इक्वल नहीं। बात समझ आ रही है? क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन होंगे? ये होंगे बट ये नहीं है। आप बोलो कि दोनों में फर्क है डोमेन का, इसका डोमेन और इसका डोमेन सेम है लेकिन इसका और इसका डोमेन सेम नहीं। ये था प्रॉपर्टी, ये
ग्रीक वाली क्लास एक और क्लास है, उसके अंदर हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स ये वाला डिस्कस करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट।